आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमजान और आज जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, हमेशा एक सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे शो में ज़रूर होते हैं और शो जो है वो रवा दवा है। और सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है ये हम आपको बताएंगे क्योंकि वो वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स हैं ड्रामा इंडस्ट्री में। अगर हम उड़ान की बात करें, अगर हम अली की अम्मी की बात करें तो आपने उनको देखा है रोल्स करते हुए और ग्रेट पर्सनैलिटी और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं और very vibrant personality. We want to welcome Ali Josh. Thank you so much. You guys made my day. Thank you. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे? Good to have you over here. Thank you so much. Thank you for having me. Introduction आपको लग रहा है कि काफी, लेकिन अभी हम we could have dragged it much much more. अभी हमने कुछ किया ही नहीं है. But the sort of individual that you are, the sort of work that you have been doing, pretty commendable, mashallah. Thank you so much. Ali, theater से screen का journey, how it was? बड़े अच्छे टाइम्स भी थे, बड़े मुश्किल टाइम्स भी थे। मैं स्कूल में थिएटर करता था तो काफ़ी अवार्ड्स वगैरह हम लोग जीते, हम लोग मिलके स्टोरीज बनाते थे और परफॉर्म करते थे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स में। उसके बाद फिर वो ना ग्रेजुएटेड फ्रॉम LSC तो मैं कराची गया ऑडिशन्स देने के लिए। तो मुझे याद है मैं तीन ट्रिप्स मैंने मारे कराची के और मैंने ऑडिशन्स दिए लेकिन मुझे वो चूज़ नहीं करते थे। तो हाँ, और मैं इस कॉन्फिडेंस का गया था कि मैं जाऊंगा तो बस सारे कहेंगे सर बताएं हीरोइन कौन सी चाहिए, स्टोरी किस तरह की चाहिए आपको, आप बताएं। तो मैं उनसे पूछता था कि क्या वजह है, आप मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट करते, मुझे वजह बताते हैं सो आई कैन वर्क ऑन इट। तो मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि आपकी उर्दू के अंदर पंजाबी टच है। अच्छा, हम पंजाबियों की उर्दू के अंदर कॉमन चीज है, कराची वाले हमेशा यही कहते हैं। हां, कॉमन चीज तो, और वो होता है थोड़ा सा, लाइक इट्स ट्रू। तो आई वर्कड ऑन इट, मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ में कॉन्शियसली ये एफर्ट की कि मैं जब उर्दू में बात करूं, साफ उर्दू में बात करूं, अपने यू नो उर्दू पे लैंग्वेज पे बाइलिंगुअल ना बोलूं, हाँ तलफ्फुज़ में बात करूं, ठीक। तो बस उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया और अब तक मैं तकरीबन आई थिंक 27-28 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ ड्रामास। माशाल्लाह, एक मेरी फिल्म आ रही है और आई थिंक 10-15-20 एड्स भी कर चुका हूँ। खलील साहब की स्क्रिप्ट पे You've been doing a project like film कर रहे हैं आप। जी। उनकी script कैसी लगी? थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। How did you find that script? Even के आपको पता है खलील साहब का थोड़ा सा way जरा different है। हाँ। तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जो मेरी ये कहानी है, ये इतनी रूहानी कहानी है। मैं हूँ तेरी गुलनाज नाम है उसका, और एक सरदार सिख है जिसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है, जो कि मौलवी की बेटी है। अब उस प्यार की वजह से वो इस्लाम के बारे में रिसर्च करता है। अच्छा, उसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पता चलता है तो वो उनका इतना बड़ा फैन हो जाता है। अच्छा, नाइस। कि मेरा जो किरदार है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से बयान कर रहा है। क्या बात है। वो जो माई जो कूड़ा फेंकती थी, जो उनको नमाज पढ़ते हुए वो कहते मेरे जुमले हैं कि मैंने सुना है मौलवी साहब वो गुस्सा ही नहीं करते थे। क्या बात है। और यकीन करें कि मैंने जब वो सीन परफॉर्म करना था तो सरगोधा में शूट था, अभी आए थे जुल्फी भाई और सबीका भाभी, उनका उड़ान प्रोजेक्ट में कर रहा था। मैंने एक शिफ्ट पूरी यहाँ पे 10-12 घंटे की शूट करवाई, सोए बगैर मैं फिल्म की शूट के लिए गया। मैंने सरगोधा में खुद ड्राइव करके मैंने वहाँ पर रात की पूरी शिफ्ट फिल्म की। अब उसमें अब क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से रिलेटेड डायलॉग्स थे, मैं सोच रहा था कि मैं एज एन एक्टर मैं इन जुमलों के साथ इंसाफ कैसे कर सकता। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्होंने नाच पढ़ी और संतोष साहब की बात कवाली, उसी तरह मैं वो सुनते हुए गया कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, और मैं बड़ा रोता हुआ गया। और बहुत बहुत अच्छी कहानी है वो, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इस तरह है कि लड़के को हीरो को प्यार नहीं मिलता तो उसको खुदा मिल जाता है। क्या बात है, उसका दिल इतना टूटता है। क्या बात है। तो वो ये है कि इंसान के साथ वो मोहब्बत और इश्क वाले चक्कर में पड़ता है लेकिन वो लड़की जो है उसको किसी और से प्यार होता है। क्या बात है। तो उसका दिल इतना टूटता है, इतना टूटता है। मुझे याद है मैंने वो आखिरी सीन जो करना, अच्छा खलील साहब का वो जुमला है वो अक्सर काफी जगहों पे बोलते हैं, वो इस स्क्रिप्ट का जुमला है। आखिरी सीन है और उसी पे है, मुझे लग रहा है मैंने पूरी फिल्म बता दी है लेकिन फिर बढ़ गया देखने के। हाँ, व्यूअर्स को भी इंटरेस्ट बढ़ा होगा, ऑब्वियसली लॉन्च होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका आखिरी जुमला है कि
मैं जब अपने रब से मिलूंगा तो ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज इजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा पहला लफ्ज मोहब्बत होगा। खलील साहब की भी क्या ही बात है, खलील साहब जो लिखते हैं फिर उसका अक्स जो है वो यहाँ पे विजिबल है आपके सामने। ये प्रोजेक्ट इनका अली जोश का आने वाला है, कब आएगा लेकिन से कोई एक्सपेक्टेड? बस हमारी कोई 20-30% अभी शूट बाकी है, 20-30% शूट बाकी है। चलें जब भी आएगा, देर आए दुरुस्त है, इंतजार रहेगा। और वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द होल टीम। एंड खलील साहब को वंस अगेन कमेंडेबल जॉब, जो कुछ लिखा जहाँ पे जितना थोड़ा सा नजर आया दैट इटसेल्फ शोस कि कितनी अच्छी चीज होने जा रही है। अली रमजान में क्या रूटीन होती है? रमजान में जी बस अल्लाह को याद किया जाता है, रोजे रखते हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। nice. और किचन में जाते हैं? किचन में हाँ चला जाता हूँ, मतलब मामा की जवाब दीजिए कि हमारे पास भी किचन है, आप याद ना लीजिए फौरन। नहीं मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता, सोच के जवाब देना। लेकिन मैं मामा से ऐसे पूछ लेता हूँ कि कोई हेल्प चाहिए आपको, वो इतने में इतना खुश हो जाती है। हेल्प चाहिए मैं सेल्फ के लिए भी लेके जाना साथ। अच्छा कोई एनी फेवरेट डिश जो आप रमजान में खाते हैं, इफ्तार में, सहर में? मुझे सिंपल फूड्स पसंद है, फ्रूट चाट में खाता हूँ, जो दही फुलकियाँ, दही बल्ले, पकौड़े मैं थोड़े अवॉइड ही करता हूँ, मज़ा बहुत आता है तो एक आधा ट्राई कर लेता हूँ, बाकी सैंडविचेस सिंपल फूड्स खाता हूँ मैं ज़्यादा। अच्छा, इंडस्ट्री में अच्छा दोस्त कौन है, एनी वन नेम? अच्छा दोस्त काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वैसे तो, मोस्टली मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, काफी एक्ट्रेसेस, काफी एक्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन सबके साथ ही बहुत होता है ना कि I would rely on that person, like not go to guy, rely, but go to guy, ये go to बंदी, किसको go to girl, जिसको यार वो इंडस्ट्री में ही आता है, राणा माजिद खान है, एक एक्टर है बड़ा जबरदस्त किस्म का, वो भी थिएटर करता था, क्या बात है। तो वो मैं कराची इकट्ठे एक अपार्टमेंट में रहे काफी अर्सा, वो तो बिल्कुल बचपन का दोस्त है, और एक्टर भी है वो तो ऑब्वियसली ही टेक्स लीड लाइक दैट, तो वो है। लेकिन बाकी काफ़ी जितने डायरेक्टर्स मेरे रहे हैं उन सब के साथ मेरी बड़ी अच्छी रही है, एक्टर्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। आज जो एक्टिंग है इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, लाइक ड्रामा इंडस्ट्री, एंड पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री हैज बीन लाइक फ्लरिश्ड सिंस मेनी इयर्स एंड इट इज़ फ्लरिशिंग। एक एमेच्योर एक्टर को किस तरह पेनिट्रेशन होती है, लाइक समवन वांट्स टू एक्ट, उसको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, लाइक यू नो यू बीन अभी आप जिस तरह आप कहते हैं मैं कराची गया एंड यू नो कमिंग बैक फ्रॉम हेलिंग फ्रॉम लाहौर गोइंग टू कराची एक्टिंग, व्हाट इज द प्रोसेस? आई थिंक हर चीज़ है इसमें, इसमें इंसान की रूह है, दिल है, जिस्म है, दिमाग है, अपनी ईगो मारनी है, अपनी मैं मारनी है। अभी मेरा ना एक ड्रामा आ रहा है बाबर अली साहब, उसमें मेरे वालिद साहब बने और मैं उसमें ना सिंधी वडेरा बनाऊँ, बाबा साईं हाँ पैसे कैसे कर सकते हैं, यू नो उस तरह का। तो अब मेरा ना एक सीन था, दिलावर मलिक साहब डायरेक्टर हैं बड़े पुराने, तो अब वो ना वन टेक सीन था, ठीक है, और बाबर अली साहब है सामने और बेटा जो है वो बस बाप को पड़ गए, ठीक है। तो अब वो इतने लंबे डायलॉग्स थे और स्क्रिप्ट मैंने सेट से पहले नहीं मुझे मिली थी, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं डायलॉग पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब मैंने परफॉर्म करना था, वो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं बाबर अली साहब खड़े हुए हैं और मेरा पहला सीन है बाबर अली साहब से। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि भी वन टेक सीन है और दो ढाई सफे हैं, तो मुश्किल हो गया, बोली जा रहा है वो, बोली जा रहा है। अच्छा। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, तो फिर मुझे आया कि यार मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट से ज्यादा आई हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। एक इंसान जब प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है और अपना आप बिल्कुल भूल जाता है, तो मैंने कहा कि यार ये साईं का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आई हैव टू फॉरगेट दैट आई एम अली जोश, I have to be this Peer Sain, तभी मैं ये जुमले और ये एक्टिंग मैं कर सकूंगा, वरना क्या होगा मेहनत ज़्यादा लगेगी, मुझे डायलॉग याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पीर अनीस का जो वो कैरेक्टर है मैं उसमें वाकई में आ गया था, उस लम्हे में मैंने मान लिया था मैं पीर अनीस हूँ, और उसके बाद यकीन करें मैं वो अल्लाह ही कराता है वो मैंने परफॉर्म किया, तो फिर बाबर अली साहब ने क्लैपिंग की, पूरे सेट ने क्लैपिंग की, और मेरा ख्याल है इट्स ए प्रोसेस, आपको बदलना होता है खुद को, अपनी मैं मारनी होती है, मैं मारनी बहुत जरूरी है, ईगो खत्म करना बड़ा जरूरी है। मेरे तो खैर पूरा प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर ही जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपकी मैं ना खत्म हुई, और अगर आप कुछ बन भी जाए और अगर मैं हो तो फिर रिवर्स गियर लग जाता है। बहुत से नाम है, बहुत से केसेस हैं, एग्जांपल हमारे सामने जिसके अंदर हमारे पास यही चीज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बट लाइक ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो यू आर डूइंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनी हॉबी ऑफ योर्स, बिकॉज यू नो व्यूअर्स वांट्स टू नो अबाउट यू, हाँ हॉबी क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम?
मैं मेरे अपने वालिद साहब की तरह बड़ा मैं हम इस बारे में बात करेंगे, हमने जाना है छोटे ठीक है ठीक है बातों का सिलसिला जारी है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, हमें जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप देख रहे हैं मेरे रमजान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।